रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, बहुत सारी अवेयरनेस वीडियोज़ इस वक्त सोशल मीडिया पे आ रही हैं, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी अवेयरनेस आप लोगों के लिए ला सकता हूँ वो लेकर आऊँ। बहुत से लोग शोर कर रहे हैं जी ये महंगा हो रहा है, वो महंगा हो रहा है। अब मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ, अगर आप उसको नोट डाउन कर लें और उस पर अमल करना शुरू कर दें तो एग्जैक्टली आप इस वबा से किसी हद तक अपने आप को बचा सकते हैं, किसी हद तक क्या काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये एक हैंड वॉश है, और ये हैंड वॉश डिटॉल कंपनी का है, और इस वक्त मार्केट में तकरीबन 350 रुपये का अवेलेबल है। और अगर इसको आप वैसे देखें तो ये तकरीबन 250 ml है, ठीक है। ये तो अब आप अगर इसको 200 या 350 तक का इस वक्त 280-270 का मिल रहा है। एक इम्पॉर्टेंट काम करें, अगर आप लेते हैं तो ये ले लें। एक चीज़ आप नोट डाउन करें, मैंने टिप लगाया हुआ यहाँ पे, बच्चे हैं घर में तो मैंने इसको रबड़ बैंड लगा दिया, क्योंकि जब आप प्रेस करेंगे तो इससे नीचे जाएगा नहीं, तो इतनी कम ज़्यादा क्वांटिटी निकलेगी। एक तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये महंगा है, तो इससे आप क्या करें, इस तरह से एक लीटर में ले आएँ, जो मैंने किया ये लीटर में ले आएँ। अगर आप इसकी प्राइस देखें 580 रुपीज़ का है, और 580 रुपीज़ का मतलब ये है कि कितना है, 1 लीटर। और इस तरह की पुरानी बॉटल्स को भी आप फिल कर सकते हो, और इस तरह से कुछ बॉटल्स आपको मार्केट में मिल जाती हैं, घर में ले आएँ, 2-3 वॉशरूम हैं फॉर एवर ये काम आता है, इसमें ये फिलअप कर लें और इसी तरह से रबड़ बैंड लगा लें बच्चों का यहाँ पर, उसको प्रेस करेंगे तो ये इजीली हो जाएगा। एक तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्राइस मैंने आपको मेंशन करा है, 580 रुपये इस पर टैग लगा हुआ है, जो मैंने खुद से नहीं लगाया, तो 580 को अगर आप कैलकुलेट करें तो ये काफ़ी हद तक पैसे कम हो जाते हैं और यूसेज ज़्यादा है। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, ये हमने साइड पर कर दिया। अच्छा, सेकेंड चीज़ इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि हाथों से हमारा जो ये वायरस है ये हाथों से बढ़ रहा है, और हाथों का इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन्स में ज़्यादा है, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है क्या करें आप, इसको कहते हैं बेबी वाइप्स, ठीक है, क्लीनिंग के लिए होती है बेबी वाइप्स। और इस बेबी वाइप की कीमत अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे गौर करें, अगर आ रहा हो तो 95 रुपीज़ का है, 95 रुपये की कोई वैल्यू नहीं होती। मैं अभी थोड़ी देर पहले लेकर आया हूँ, ये आप देखें, इसको हमने ओपन किया, ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ आपने करना क्या है। स्क्रीन से सबसे ज़्यादा जो है वो फ्रिक्वेंटली बढ़ रहा है वायरस, क्योंकि हम हार्ड टच 80 का होगा, बल्कि और सस्ता हो गया, मैं 95 एक वाइप को निकालें इजीली, ठीक है, और इसको फिर दोबारा बंद करें ताकि इसका मॉइस्चर बरकरार रहे। ये हम लाजमी निकाल के खोल के छोड़ दें, ड्राई हो जाता है, इसको प्रॉपरली सील कर दें, साइड में रख दें। हमने ये लिया, ठीक है, ये वाइप किया हुआ कपड़ा होता है, ठीक है, इसको लेकर हमने सेल फोन पे सबसे पहले इसको साफ़ करना है, और ये इसी तरह से वाइप से साफ़ होगा। इसको थोड़ी देर इस तरह से लगाएं अपना पूरा, इसको टोटली, और इससे इसको वाइप से अच्छी तरह से सेल फोन को साफ़ करें, जितना भी मुमकिन हो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें, अब ये मोबाइल फ़ोन उठाने से पहले अगर मैं इसी वाइप से अपने हाथों को साफ़ कर लेता, आप यकीन करें ये ज़्यादा अच्छा होता है। दिखाने के लिए मैं आपको कर रहा हूँ कि पहले इसी वाइप से आप अपने हाथों को साफ़ करें, ठीक है, ताकि आपके हाथ जर्म से क्लीन हो जाएं। ये तो आप रखें रखें, और फिर इसी वाइप से अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे मार के थोड़ी देर छोड़ दें, ये साफ चीज़ पे रख के, और फिर इसको साफ टिश्यू से, मैं आपको दिखाता हूँ, ये साइड में रखा हमने, साफ टिश्यू लेके आ रहा हूँ ये, उसके बाद इस तरह से आप साफ टिश्यू ले लें और ये मोबाइल फ़ोन को, क्योंकि ये टच जो स्क्रीन होती है ना, ये हमारे हाथों में सबसे ज़्यादा आ रही होती है, और ये कम्प्लीटली साफ़ हो गया। दिन में, पूरे दिन में एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा जब आपको मौका मिले, और घर से बाहर आने के बाद, क्योंकि सेल फोन सबसे ज़्यादा बच्चे यूज़ कर रहे होते हैं, अम्मा का अब्बा का मुँह फ़ोन खींचा और शुरू हो गया, आपका स्क्रीन भी साफ़ हो जाएगी और आप ये देखें क्लियर हो गया। अब हमें इसको ये साफ जगह पर रख दिया। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्प्रे गन हर घर में होती है, और ये डिटॉल जिसके बारे में एक अभी वीडियो चली थी, जो लोगों ने कहा था कि जी ये कैसे कोरोना वायरस है, ये सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड आप चेक करो तो इससे ज़्यादा बेहतर चीज़ कोई नहीं है ये जर्म्स को मारने के लिए। तो इस तरह की स्प्रे गन आप रखें, ठीक है, स्प्रे गन में आपने इतना पानी ले लिया, डिटॉल आपको इजीली, और ये छोटी बॉटल ले लें, बड़ी ना लें, और इसकी कीमत ये देखें, मैं आपको साथ में कीमत भी दिखा रहा हूँ, 540 रुपये की है,
500 मतलब मिलीलीटर की 540 रुपये कुछ भी नहीं। आपने इसको खोला और इधर इस ढक्कन के हिसाब से आप इतना ही ले लें, ये इनफ है। ठीक है, इसे इस पानी में शामिल कर लें, ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए। ठीक है, इसको दोबारा से हमने बंद कर दिया मजबूती के साथ। ठीक है, और ये रख दिया। अब ये हमारा क्या बन गया, एक तरह का सैनिटाइज़र बन गया। अब सैनिटाइज़र तो बहुत महंगे हैं, कम से कम इसको हमने इस तरह से मारा हाथ पे और इसको सूखने दें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई। अब ये हाथ हमारे इसी तरह से, ठीक है, ये हमारे साफ़ हो गए, एक तरह से सैनिटाइज हो गए। ठीक है, इसको हमने शेक किया हुआ। अब चलिए मैं इसे बताता हूँ और क्या क्या हमें इम्पॉर्टेंट काम करना है। अब इससे हमने करना क्या है, जो हमारे मेन डोर्स हैं जहाँ हाथों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, ये जो हैंडल्स हैं दोनों साइड पे, हमें अच्छी तरह से स्प्रे करेंगे, आसपास स्प्रे करेंगे, इस साइड भी और प्लस इस साइड भी। ये देखें, स्प्रे करके आप इसे छोड़ दें, ड्राई छोड़ दें। एक चीज़ ये डेली जो वाइफ्स हैं घरों में हैं वो ये काम कर लें कि इस तरह से ये डेटॉल का बना लें, ये इस तरह से स्प्रे करके छोड़ दें। हैंडल्स में सबसे ज़्यादा काम होता है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हैंडल्स का इस्तेमाल होता है। एक चीज़ हो गई। सेकेंड चीज़, और चीज़ ये यहाँ पे हमारे हाथों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, ये फ्रिज के हैंडल्स हैं, जितने भी फ्रिज हैं ये चीज़ है, इनको भी एक दफ़ा इस तरह से स्प्रे करके छोड़ दें। डेटॉल लगा हुआ है, ये स्प्रे करके छोड़ दें, थोड़ी देर छोड़ दें, उसके बाद कपड़ा मार दीजिएगा ताकि ये कम अज़ कम जर्म्स को किल कर दें। जो बाइक्स यूज़ करते हैं हैंडल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, इसको भी इस तरह से स्प्रे कर लें जो हैंडल्स हैं, और इनको कुछ देर के लिए छोड़ दें। ये देखिए, जहाँ जहाँ आपका हाथों का चाबियाँ हैं, जहाँ जहाँ चीज़ें हैं, इनको स्प्रे कर लें। और प्लस बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो फ्लैट्स में रहते हैं लोग जिनके घरों में सीढ़ियाँ हैं, उनके पास ये साथ में लगी होती सीढ़ियों में, तो इसको लाजमी एक दफ़ा कंप्लीटली पूरा स्प्रे कर लें जहाँ तक मुमकिन हो, ताकि ये जान से हो कि डेली करना है आपने। ये हाथों का इस्तेमाल यहाँ पे होता है, ये कर लें। अच्छा, गेट्स हैं जिस तरह से हम ये हैंडल को लॉक को खोलते हैं, इन्हें बहुत अच्छी तरह से मार लें। ठीक है, प्लस आपकी ये कुंडियाँ जहाँ जहाँ, और ये डेली बेसिस पे आपने करना है, जहाँ जहाँ हाथ का इस्तेमाल होता है वहाँ ये कर लें। और स्पेशली इसी तरह से जब आप घर में दाखिल होते हैं, तो घर में दाखिल होने के लिए मेन एंट्रेंस पर जब आप जाते हैं तो आपकी बेल लगी हुई होती है, बेल के ऊपर भी जहाँ से बेल बजाने का सिस्टम है उसे भी आप इस तरह से स्प्रे कर लीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, बेल का सिस्टम है, इसको भी आप स्प्रे कर लीजिए और छोड़ दीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, घरों में बच्चे हैं, बच्चों की साइकिल्स हैं, हैंडल हैं, उनको भी ये आप डिटॉल वाला स्प्रे जहाँ जहाँ पकड़ने का है उनको करके छोड़ दीजिए, ताकि जरासीम जो हैं वो बिल्कुल से ख़त्म हो जाए। जहाँ जहाँ बच्चों ग्रेप करते हैं हाथ, वहाँ इस तरह से आप कर दीजिए। और ये डेली, ये तमाम चीज़ें आपने डेली बेसिस पे करनी है। आपके दरवाज़ों के हैंडल जहाँ जहाँ पे हाथ आपका होता है, इस तरह से ये देखें, ये मेरी एंट्रेंस है, इसके साथ ये दूसरा दरवाज़ा, तो यहाँ पर भी आप मार दीजिए जहाँ जहाँ मुमकिन हो, इसका स्प्रे कर दीजिए। हमारे वॉकिंग को यहाँ पर काम खत्म होने के बाद सबसे पहले आप आ जाए अंदर में दिखाते हैं, ऐसे आपने घर के एंट्रेंस पे यहाँ रख दिया, ताकि जब मैं घर में दाखिल हुआ तो सबसे पहले हैंड वॉश से पहले मैंने अपने हाथों पे मारा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इस पर रखा और ये चीज़ें करी, और इसके बाद मैं घर में दाखिल हुआ और हैंड वॉश की तरफ चल गया। तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को अमल करें, कोई महंगी चीज़ें नहीं है, सब बता दें आपको बहुत सस्ती चीज़ें, और कोशिश करें इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंचे, ये अवेयरनेस फैलाना भी सबका ही जारिया है। तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और इसको अमल कीजिए, और कोशिश कीजिए कि इसको इस वक्त डेली जो घर में ख़वातीन हैं वो भी मर्द हज़रात में छुट्टियों पर हैं, तो कम से कम 2 से 3 दफ़ा 4 दफ़ा जितनी दफ़ा आपके स्प्रे उठाने में 2 मिनट भी नहीं लगे, आपके तमाम चीज़ों पर स्प्रे हो गया, हैंड सैनिटाइज हो गए, सब चीज़ हो गई बाहर से बाहर, इसी तरह से आप उसके बाद जाके हैंड वॉश कर लें। तो ये हैंडल्स पे होते रहेंगे, चीज़ों पे करेंगे, तो जर्म्स जो हैं वो किसी दूसरे को फैलेंगे नहीं। आपकी बाहर की बेल पे आपने लगा दिया तो जो आने वाले हैं वो बटन लगा रहे हैं तो वो सेफ हो गया, दूसरे से इन टच नहीं हुआ। तो इसी तरह से हैंडल्स हैं, इंटेंस की चीज़ें हैं, फ्रिज हैं, हैंडल्स जो जो हैंडल्स पकड़ने की जगह हैं उनको आप करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, कोशिश करें कि इसको शेयर करें एज अवेयरनेस वीडियो, ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुँचे और इस पर अमल करें। मुझे इजाज़त दिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।